जब भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में एक्यूरेसी लेवल कितना हमें चाहिए, एक्यूरेसी लेवल अकाउंटिंग में जो चाहिए होता है वो होता है 100%। और ये 100% एक्यूरेसी लेवल लाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है बैंक अकाउंटिंग। पहले के ज़माने में ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, ज़रूरी था, आज के ज़माने में उससे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन बैंक ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपका अकाउंटिंग बैंक रिकंसिलेशन के बिना सही नहीं हो सकता है। तो बैंक रिकंसिलेशन बिकम्स अ मेजर एक्टिविटी इन अकाउंटिंग एज वेल एज ऑडिट। अब ये मेजर एक्टिविटी में अकाउंटेंट्स का बहुत सारा समय जाता है, और ये बहुत सारा समय जो है ये आपका बचाने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास में है, जिसके लिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे अकाउंटिंग फ्रेंड सेशन नंबर 114 में। 114वां सेशन है हमारा, इसके पहले 113 सेशंस हो चुके हैं हमारे, तो आप ये सेशन में आइए। यहाँ पे मैं आपको ऑटो बैंक रिकंसिलेशन टैली में किस तरह से कर सकते हैं ये बताने वाला हूँ। सो टैली हैज गॉट अ वेरी गुड फीचर दैट इज कॉल्ड एज ऑटो बैंक रिकंसिलेशन, वेर यू कैन सेव यूर 70% ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम विथ 100% एक्यूरेसी। तो 100% एक्यूरेसी से आप काम कर सकते हैं। जब आप मैन्युअली काम करेंगे तो हो सकता है गलती हो, लेकिन जब आप ऑटोमेशन में काम करेंगे तो गलती होने की संभावना नहीं है। तो 100% एक्यूरेसी एंड 70% सेविंग इन टाइम एंड एफर्ट्स, हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस सेशन। सो लिंक इज गिवन आइदर इन द डिस्क्रिप्शन और इन बायो, क्लिक ऑन दैट लिंक, रजिस्टर फॉर अकाउंटिंग फ्रेंड सेशन ऑन दिस संडे। ये संडे को मैं लाइव आपके साथ जुड़ूंगा, आप मेरे साथ आइए और हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा समय और मेहनत हम किस तरह से बचा सकते हैं। एक तो फीचर हो गया बैंक रिकंसिलेशन, ऑटो बैंक रिकंसिलेशन, और उसके साथ बैंकिंग रिलेटेड भी और सारी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आपका मैं इंतज़ार करूँगा, संडे को मिलते हैं सेशन नंबर 114 में। थैंक यू।